हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों, आज अपना स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है ना। इसके हम लोग अपने जो चैप्टर था उसको कंटिन्यू करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक उसका नाम है क्वेश्चन आया है। तो आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा कि व्हाट इज क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया होता क्या है, क्वेश्चन आया को बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, जब भी एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो कि वो अपने रिस्पोंडेंट से पूछेगा एंड जिसके हिसाब से वो डेटा को कलेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन आया भैया अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस उसमें अच्छे होने चाहिए, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सके, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन आया का मतलब होता क्या, इसको हम लोग यहां पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे ध्यान दो, अब क्वेश्चन आया होता क्या यहां पे आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन आया इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब रिसर्च करने में हेल्प करता है, ओके। कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग, जिससे हम लोग गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, मतलब हमको रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्वेश्चन आया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी मदद से रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन आया कैन बी टॉट एज अ काइंड ऑफ रिटन इंटरव्यू, हम लोग कह सकते हैं कि यह रिटन इंटरव्यू होता है। They can be carried out to face to face by telephone या computer post, चाहे तो face to face भी दोस्तों हम लोग उससे पूछ सकते हैं, telephone भी पूछ सकते हैं, या फिर computer post कैसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, okay। मतलब कि investigator को data collect करने के उसके question होते हैं बहुत सारे, वो written form में होते हैं, वो चाहे सामने वाले को दे दे, वो फिर करके आपको दे देगा, आप उसे पूछ लो या फिर आप उसको कंप्यूटर पे ईमेल कर दो, पोस्ट ऑफिस से भेज दो, मतलब कैसे भी आप उसको दे दो या फिर आप उसे पूछ के भर लो, सामने सामने भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते क्वेश्चन आया है, ओके। एक डिफरेंस याद रखना कि शेड्यूल और क्वेश्चन आया में डिफरेंस ये होता है कि क्वेश्चन आया है रिस्पोंडेंट खुद फिल करके देता है, बट शेड्यूल के अंदर होता क्या है कि एनुमेरेटर रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन को पूछ के खुद फिल करता है, ओके। तो दोस्तों, क्वेश्चन आया प्रोवाइड रिलेटिवली चीप, ये सस्ता होता है, बहुत क्विक एंड इफिशियंट वे है डेटा को कलेक्ट करने का। अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। अब दोस्तों, शेड्यूल क्या होता है, आपके एग्जाम में भैया डिफेंस पूछ देता है कि क्वेश्चन आया और शेड्यूल में डिफेंस क्या होता है, बहुत ही कॉमन डिफेंस है, मतलब छोटा सा माइनर डिफेंस है, पहले शेड्यूल समझते हैं। शेड्यूल दोस्तों ऐसा कोई खास अलग नहीं होता है, क्वेश्चन आया को ही शेड्यूल बोलते हैं, बस डिफेंस ये है कि क्वेश्चन आया आपका रिस्पोंडेंट फिल करता है और शेड्यूल होता क्वेश्चन आया ही है, बस एनुमेरेटर फिल करता है, क्योंकि हो सकता है कि जो जनता है वो क्या बोलते हैं इरिटेट हो शायद, पहले ही ना हो, इसलिए रिस्पोंडेंट क्या होता है इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, तो एनोमेटर उसके इंफॉर्मेशन को पूछ के खुद ही फिल कर देता है, ओके। बात हमें आपको आ गई होगी। द शेड्यूल इज अ परफॉर्मा विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, फेड बाय द रिसर्च वर्कर, जो लोग रिसर्च करने में हेल्प करें आपके इन्वेस्टिगेटर की, जो कि आपके एनोमेटर्स होते हैं, वो खुद ही फिल करते हैं, ठीक है ना। एंड दोस्तों, या फिर ये भी हो सकता है इसका रीजन कि आप इसको नोट कर लेना कि जब क्या बोलते हैं एनुमेरेटर चाहता है, ठीक है ना, सॉरी इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि डेटा सही उठे, एकदम एग्जैक्ट डेटा उठे, कोई भी गड़बड़ी ना हो उसके अंदर, तो होता क्या उसके अंदर दोस्तों कि वो लोग एनुमेरेटर खुद ही इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को वो चीजें समझ में ना आए, वो कुछ उल्टा सीधा भर दे, इसीलिए एनुमेरेटर खुद ही इंफॉर्मेशन को पूछ के उनसे भर देता है अपनी लैंग्वेज में, ओके। तो दिस शेड्यूल इज अ परफॉर्मा विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फीड बाय रिसर्च वर्कर एनोमेटर्स, ठीक है, ओके। स्पेशली जिनको स्पेशली अपॉइंट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है ना। एनोमेटर्स गो टू द इन्फॉर्मेंट, ये इन्फॉर्मेंट के पास में जाएंगे, जिसको रिस्पोंडेंट भी कहते हैं, विद द शेड्यूल, शेड्यूल को लेके, एंड आस्क देम, उनसे क्वेश्चन को पूछेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन दिस सीक्वेंस से पूछेंगे एंड उसको रिकॉर्ड करेंगे जहां पे स्पेस दिया होगा वहां पे। देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर शेड्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिस्पोंडेंट एंड द एनोमेटर असिस्ट देम इन द answering the question। कितनी अच्छी बात यहां बताई आपको, यहां ध्यान देना, कुछ situations ऐसी होती हैं where schedule को is distributed to the respondent, respondent को दे दिया जाता है and animator assist them, animator उनको मदद करते हैं कि वो question का answer दे। तो भैया basic difference बस इतना सा है कि question आया है, respondent खुद फिल करते हैं और schedule respondent फिल नहीं करते हैं, animator उनसे पूछता है फिर answer को अपनी language में लिख देता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे डिफेंस भी देखो, क्योंकि एग्जाम में आपके आता है सबसे पहला, ठीक है, यहाँ पे डिफेंस देखते हैं क्या है कि भैया इन जनरल क्वेश्चन आया है, आई डिलीवर टू द पर्सन, जिसको देना उसको दे देते हैं, कंसर्ट आइदर बाय द पोस्ट ऑफिस से दे दो, मेल कर दो,
रिक्वेस्टिंग देम टू आंसर दी क्वेश्चन, और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया क्वेश्चन फिल करने के बाद में अपने को रिटर्न कर देना। ओके, शेड्यूल में क्या होता है, एनुमेरेटर्स गो टू द इन्फॉर्मेंट विद द शेड्यूल, वो उसके साथ में जाना पड़ता है उसको, क्योंकि वो जाएगा उससे इन्फॉर्मेशन पूछ के खुद ही फिल करेगा एनुमेरेटर। ओके ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड डिफरेंस को देखते हैं। द क्वेश्चन आया इज वन ऑफ द मेथड यूज फॉर डेटा कलेक्शन, द क्वेश्चन आया वी हैव मेनी क्वेश्चन विच क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल चॉइसेस, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि टिक मार्क हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स हो, तो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। द शेड्यूल इज ऑलवेज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इट वी हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन स्पेस गिवन टू नोट डाउन द आंसर, हो सकता है कि शेड्यूल के अंदर स्पेस दिया हो आपको आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना। ये भी डिफरेंस हो सकता है कि इसमें मल्टीपल चॉइस हो या फिर क्या बोलते हैं, दोनों में स्पेस दिया हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। और दोस्तों यहां पर ध्यान दो, द टाइप ऑफ टेक्निक यूज इन द क्वेश्चन आया मेथड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, मतलब भैया इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में ही आए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में ही आए, ठीक है ना। बट जो ये होता है इसमें हो सकता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपकी क्वालिटेटिव आए, जो कि नंबर के फॉर्म में ना हो। ओके ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि भैया कौन फिल करता है, क्वेश्चन आया को फिल करता है रिस्पॉन्डेंट, एंड इसमें शेड्यूल को फिल करता है एनुमेरेटर्स। ओके, एंड रिस्पॉन्स रेट, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स का आपका रेट है वो क्या है, बहुत लो होता है, क्योंकि हो सकता है कि भैया जिसके पास आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं दिखाया है, वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है फिल करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाया है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ओके, अब दोस्तों कवरेज होता क्या है कि क्वेश्चन आया कि कवरेज ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फिल करके वापस कर देते हैं, बट में कंपैरेटिव स्मॉल, क्योंकि एनुमेरेटर को जाना पड़ता है ना। ओके, ये थोड़ा सा सस्ता मेथड है, इकोनॉमिक है, मतलब सस्ता मेथड है, ये एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। इसमें रिस्पोंडेंट की आइडेंटिटी पता नहीं होती किसने फिल करके दिया है। ओके, ये भी हो गया। एंड दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि हमको इसमें रिस्पोंडेंट की आइडेंटिटी पता होती है, ठीक है। सक्सेस याइज ऑन क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, जितना अच्छा क्वेश्चन आया होगा उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे ऑनेस्टी एंड द कमनेस ऑफ द एनुमेरेटर, भैया एनुमेरेटर जितना ईमानदार होगा उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होकर अपने पास में आएगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है अपना, यहाँ पे देख लो कि यूजेज ओनली व्हेन द पीपल आर हीटेड, जब लोग पढ़े लिखे हैं एंड लोग कॉर्पोरेट करते हैं तभी ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड ये कब यूज होता है, जब पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, दोनों ही केसेस के अंदर शेड्यूल को इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको याद कर लेना, एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ गुड क्वेश्चन आया है, भैया अगर एक अच्छा क्वेश्चन आया है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, हेडिंग्स को देखो, अंदर आप खुद रीडिंग मारोगे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ खास चीज नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे देखो कि कवरिंग लेटर, भैया एक कवर लेटर होना चाहिए, क्वेश्चन आया के ऊपर लिखा होना चाहिए कि भैया किस ये क्वेश्चन पूछा जाया है, ठीक है ना, सब कुछ लिखा होना चाहिए। और वेरी पोलाइट, मतलब कि बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, पोलाइट कवरिंग लेटर should be sent to the respondent, उसको दिया जाता है along with the question आया, question आया के साथ में, ठीक है ना। It should be clearly explained in brief the objective and the scope of survey, उसमें लिखा होना चाहिए कि भैया क्यों उनसे information इकट्ठा की जा रही है, पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए। ओके, इट शुड इंश्योर रिस्पोंडेंट अबाउट देयर सीकेसी, उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपको आपकी सीकेसी को मेंटेन किया जाएगा एंड डेटा को बाहर बताया नहीं जाएगा, मतलब कि इट्स इंश्योर रिस्पोंडेंट अबाउट देयर सीकेसी कि भैया आप हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको सिक्योर रखना, बताना मत किसी को, हम भी जल्दी आपके बारे में किसी को बताएंगे नहीं। ओके, इन केस ऑफ मेड क्वेश्चन आया, जब क्वेश्चन आया वो किसी के घर में भेजते हैं पोस्ट ऑफिस की मदद से मेल करते हैं, और सेल्फ एड्रेस स्टैम्प, खुद के एड्रेस का एक स्टैम्प उस लिफाफे में डाल के भेज देते हैं, जैसे कि भैया भरने के बाद में वो स्टैम्प को निकाल के चिपका के वापस भेज सके, उसका पैसा ना खर्चो। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। एंड दोस्तों टू इंश्योर क्यू कैन बेटर रिस्पॉन्स, ये चाहने के भैया वो सही और बेटर रिस्पॉन्स करे, द रिस्पोंडेंट मे ऑल्सो ऑफर, उसको कुछ हम लोग क्या बोलते हैं आपको इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे कि भैया फ्री गिफ्ट हो गया, ठीक है, कूपन्स हो गए, या फिर कुछ और भी उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वो जल्दी भाई के अपने को दे दे। एक बार खुद दोस्तों एक वेबसाइट है शिक्षा.com, जहां पे मैंने क्या बोलते हैं बेचू कॉलेज का रिव्यू किया था, क्योंकि मैं बेचू का स्टूडेंट था तो मैंने बेचू का रिव्यू किया था, तो मुझे 100 रुपीज का पेटीएम मिला था, सच में ये जेन्युइन बात है, आज भी मेरा रिव्यू जो है वो वहां की वेबसाइट पे है बेचू का। ओके, तो दोस्तों ये आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है, एक कवरिंग लेटर होना चाहिए। दूसरा डिसीजन क्वेश्चन कि भैया आपको इस बात का डिसीजन लेना पड़ता है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइप के होंगे,
टू फेम क्वेश्चन आया शेड्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस क्वेश्चन की भैया कौन से क्वेश्चन होंगे कौन से क्वेश्चन नहीं होंगे। द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन डिपेंड अपॉन दी पर्पस, ये डिपेंड करता है कि भैया आपके इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, तभी ना तो आप डिसाइड करोगे। ठीक है भैया, ओके। सो प्रिकॉशन शुड बी अडॉप्टेड, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा टू अवॉइड ए इवेंट एंड अननेसेसरी क्वेश्चन, कि बेफालतू के क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है ना, जो काम की चीजें बस वही आए। ओके, ये भी आ गया। द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आया मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, भैया कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सिंपल क्वेश्चन, एक होता है अपना सिंपल क्वेश्चन। ये क्या होता है, द क्वेश्चन मे बी, देखो भैया डू यू हैव अ कार, यस और नो, बात खत्म। दूसरा अपना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी देखियो इसमें आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है पता ही होगा आपको। तीसरा आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्या होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें होता है आर यू मैरिड, तो भैया सब लोग तो होंगे नहीं होंगे ना, तो ये स्पेसिफिक हो गया सीधे। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर आर इन योर, कितने मेंबर हैं आपके फैमिली में, किसी में पाँच, किसी में दस, किसी में चार, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है ओपन क्वेश्चन, ये क्या है ओपन क्वेश्चन, यहाँ पे होता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वर्ड, ये अपने लैंग्वेज में आंसर करेगा, अपने खुद के लैंग्वेज में रिस्पोंडेंट क्या करेगा आंसर करेगा। ठीक है ना, ओके, ये हो गया आपका। एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, भैया कितने नंबर होने चाहिए क्वेश्चन के, इतने ना हो कि भैया चाहे इन्वेस्टिगेटर क्या हो जाए, सॉरी रिस्पोंडेंट क्या हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है ना, ओके, इस बात को भी इन्वेस्टिगेटर को ध्यान रखना चाहिए कि इतने क्वेश्चन ना हो जाए कि भैया क्वेश्चन आए को फेक करने वाला टेंशन में आ जाए। ठीक है ना, ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्मॉल, कम से कम हो, छोटा हो, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है ना, ओके, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी छोटे हो, शॉर्ट हो और कम से कम हो। अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन, भैया ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसमें भैया उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ जाए, वरना वो आपके क्वेश्चन आए को फिर नहीं करेगा, वैसे ही वापस लौटा देगा। ठीक है, अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव्स, मतलब क्वेश्चन में दो बातें ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि भैया डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, भैया आप उससे कोई सजेशन मांगो, डू यू थिंक, आपको लगता है कि स्मोकिंग को मानो स्मोकिंग करता होगा तो बेचारे तो गुस्सा जाएगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके, अवॉइड रीडिंग क्वेश्चन, द क्वेश्चन शुड नॉट बी रीडिंग क्वेश्चन विच गिव्स अ क्लू अबाउट, ऐसा कोई आप क्वेश्चन मत पूछ दो जिससे उसको एक अंदाजा लग जाए कि भैया आप क्या पूछना चाहते हो, आपका मकसद क्या है डेटा को कलेक्ट करने का, ऐसा उसको शक होने मत दो, वरना अगर वो समझ गया ना तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं देगा। ओके, क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज, भैया क्वेश्चन का लॉजिक होना चाहिए, भैया नाम पता एड्रेस मम्मी पापा प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए। इंस्ट्रक्शन टू इन्फॉर्मेंट, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दो, भैया ब्लैक पेन से भरना, ब्लू पेन से भरना, कैपिटल लेटर में भरना, हिंदी में भरना, इंग्लिश में भरना, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दो जिससे कोई भी गलती वो लोग ना करें। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन, भैया कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दो जिससे कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सको कि उन्होंने आंसर सही फिक किया है कि नहीं। ओके, ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन आया शुड यू अट्रैक्टिव, भैया ऐसा बनाओ कि अट्रैक्टिव दिखे, ऐसा ना बताओ कि देख के टेंशन हो जाए भैया क्या बवाल हो गया ये। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्री टेस्टिंग की क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया को बनाने के बाद में पहले टेस्ट कर लो, खुद ही किसी को देख के भरवा लो जिससे जो भी कमियां होंगी वो निकल के आ जाएंगी। तो भैया एक अच्छे क्वेश्चन आया में अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा क्वेश्चन आए बनाओ तो ये सब चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तो अब भैया एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इतने सारे पॉइंट्स को भी देखोगे ना तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक सैंपल देखो क्वेश्चन आएगा, ये देखो सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे नाम पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस में भी दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स भरने को दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका एक फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आए होते हैं, मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आए होते हैं। आप किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरोगे, कोचिंग का फॉर्म भरोगे, तो वो भी एक क्वेश्चन आया ही होता है। ठीक है, ओके, ये भी हो गया अपना। अब दोस्तों मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब क्या करने जाए हम लोग सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने जाए, मतलब कि कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो भैया इसमें होता है पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स का मतलब होता है जब डेटा को कहीं पर छापा गया है, किसी किताब के अंदर छापा गया है, किसी संस्था ने उसको इकट्ठा करके पब्लिश कर दिया है, तो ये हो गया पब्लिश सोर्स। अनपब्लिश का मतलब होता है जब डेटा को छापा नहीं गया, किसी अखबार में न्यूज़पेपर में कहीं पर भी छापा नहीं गया है, तो दो होते हैं। तो भैया यहाँ पे पहला देखो पब्लिश सोर्स, ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं कि भैया दे आर नंबर्स ऑफ नेशनल, बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट
सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसी जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है ना, WHO हो गया, UN हो गया, विच जो कि हमारे पूरी दुनिया की स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं इन डिफरेंट फील्ड, अलग फील्ड में, जैसे नेशनल इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, प्राइसेस हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वेजेस, एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया। तो दिस रिपोर्ट वो लोग अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया, पब्लिश करते हैं, मंथली, फोर्टनाइटली, सो ऑन। तो भैया ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का। भैया पूरी दुनिया में महंगाई आई है, तो मानो अगर आपको रिसर्च करना कि महंगाई किस किस कंट्री में आई है, तो इस रिपोर्ट के डेटा से आप अपने इन्वेस्टिगेशन के ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं पब्लिश्ड सोर्स, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पब्लिश सोर्स क्या क्या है, यहाँ पे देखो, ये आपको नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा सीधे सीधे। पहला कि ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही क्या बोलते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, ठीक है ना, ओके, किताबें आती हैं जिसके अंदर हमारे देश के बहुत सारे डेटा पब्लिश किए जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, आप चाहो तो एग्जाम लिख सकते हो, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना, दोस्तों इससे हमारे इंडिया की सारी क्या बोलते हैं डेटा इसके अंदर पब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये आपका हो गया। उसका दोस्तों सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट होती है जो कि अपनी पब्लिकेशंस, किताबें निकालती हैं, सर्वे निकालती है, तो उसमें डेटा होता है, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशन, हमारे देश के अंदर बहुत सारी कमिटी है, नरसिम्हम कमिटी, तिवारी कमिटी, ठीक है ना, महोत्या कमिटी, सी रंगयाजन कमिटी, तो उस कमिटी के जो कमिटी क्या करती है, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करती है, तो उसमें भी बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया नरसिम्हम कमिटी, ठीक है। पब्लिक ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारे देश के अंदर पब्लिकेशन, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं, तो वहां से आ गया। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, भैया बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करके पब्लिश कर देते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन, भैया बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कि यही काम करते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारी मंडल, भैया हमारे देश का जो व्यापार मंडल है वो भी बहुत सारी किताबों को पब्लिश करता है जिसमें डेटा होता है, ठीक है ना, ओके। न्यूज़पेपर मैगजीन, भैया मतलब इंफॉर्मेशन का भंडार है, हर दिन इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना, ओके, ये भी आपका हो गया। ये हो गया पब्लिश सोर्स। अब आते हैं अनपब्लिश सोर्स के ऊपर, ये वो होता है कि ये डेटा पब्लिश नहीं किया जाता, कहीं पे छपता नहीं है, मतलब व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड, जिसको हम लोग पब्लिश्ड नहीं कहते हैं, एंड इज टेकन बाय अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हमने क्या किया, डेटा को यूज किया एज एन इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, देन सच डेटा इज नोन एज अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा, ओके। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी, भैया हमारे देश की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने वाली कंपनी ने डेटा उठाया, पब्लिश नहीं किया, आपने उनसे यूज किया, तो ये हो गया आपका अनपब्लिश डेटा। मेनी इन्वेस्टिगेशन आर प्राइवेट नेचर, जो कि प्राइवेट होती हैं, एंड देयर फाइंडिंग आर नॉट पब्लिश, उनको पब्लिश नहीं किया जाता, सच अनपब्लिश डेटा इज यूजुअली मीन फॉर द यूज ऑफ मेंबर्स ओनली, तो उसके मेंबर्स केवल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का कुछ कमियाँ हैं, कुछ क्या है, यहाँ पे लिमिटेशंस बताई गई हैं, तो चलो भैया कमियाँ हैं तो हम लोग उसको देख लेते हैं। नो प्रॉपर, यहाँ बताया गया, नो प्रॉपर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कलेक्ट डेटा, भैया कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है डेटा को कलेक्ट करने का, तो भैया ये बात तो सही है, कहीं से भी उठा लेते हैं। सेकेंडरी डेटा मे बी इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजुडाइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, भैया इन्वेस्टिगेटर अगर बायस्ड हो गया तो डेटा खराब हो जाएगा। सेकेंडरी डेटा सम टाइम लैक्स, भैया इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, अनस्टैंडर्ड डेटा है ये, सही बात है। सेकेंडरी डेटा मे नॉट कवर फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है कि आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इससे अच्छे से ना हो पाए, तो ये भी सही बात है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया, ये छोटा सा टॉपिक है, एज एन एडिशनल नॉलेज मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए कि राइट एन एसे ऑन द सेंसस ऑफ इंडिया, कि हमारे देश के सेंसस के ऊपर एक एसे लिखिए, 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। तो यहां पर देखो सबसे पहले दोस्तों ये दिया हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया मतलब देश की, हमारे देश की जनगणना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे देखो आप लोग, सबसे पहले तो द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, ये हमको दिखाते हैं कि हमारे देश की कितनी जनता हमारे देश में है, ओके, समझ आ गया। दिस सेंसस इज बिंग रेगुलरली कंडक्टेड आफ्टर 10 ईयर, हमारे देश में जनसंख्या हर 10 सेंसस जो है हर 10 साल में होती है,
एग्रीकल्चर की सेंसस 5 साल में होती है, लोगों का जनगणना 10 साल में, कितने लोग हैं इसको 10 साल में गिना जाता है। सबसे पहले इंडिया में 1881 के अंदर हुआ था, ठीक है ना, 1881 के अंदर हुआ था। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में, आजादी के बाद में ये हुआ था 1951 के अंदर। तो भैया ये आप याद रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आ सकता है क्वेश्चन दो, ठीक है। इंडिया सेंसस हैड बीन फैसिनेटिंग सोर्स ऑफ डेटा, मतलब कि ये इतना, ये जो आपका इंडिया का जो सेंसस होता है, मतलब इसमें से पूरे दुनिया के लोग रिसर्च करते हैं, इसके डेटा में से क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, इतना फैसिनेटिंग है ये। ओके, जितने भी बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंपनीज हैं, सब लोग इस डेटा का यूज करते हैं। ओके, एंड टू स्कॉलर हो गया, रिसर्चर हो गया, एंड डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स के ये हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड मेनी अदर डिसिप्लिन, मतलब कि हर जगह इस इंडिया के सेंसस का डेटा यूज किया जाता है, ठीक है ना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है ना, जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। द सेंसस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट, कि पॉपुलेशन क्या, साइज क्या है, क्या डेंसिटी क्या है, कहाँ पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, लिटरेसी रेट क्या है, एंड माइग्रेशन यूए, मतलब कितने लोगों ने माइग्रेट किया हुआ है, गाँव में कितने रहते हैं, शहर में कितने रहते हैं, ये सब कुछ बताता है। बस कितने लोग हैं ये नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन देता है कि एग्जाम्पल के तौर पर पूरे इंडिया में केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ये कैसे पता चला, ये इसी की सेंसस की रिपोर्ट से पता चला। ओके, सेंसस इन इंडिया इज नॉट मेरी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, द डेटा इज इंटरप्रिटेड एंड इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, समझा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, एंड जिससे इंटरेस्टिंग मैनर में, जिससे बहुत सारे नतीजे निकाले जा सकें। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज परफॉर्म इन दी 2011, जो कि 2011 में किया गया था, ठीक है ना। इट वॉज दी 15th, ये कि 15वां सेंसस था, अनब्रोकन, बिना टूटे आज तक लगातार हुआ है, बिना कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है ना। आफ्टर 7th आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, उसके बाद से बिना टूटे हुआ है, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया ये जो दिया हुआ ना नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप चाहो तो उसको रीडिंग कर सकते हो, ऐसा कोई खास नहीं दिया हुआ है, आप खुद से भी रीडिंग कर सकते हो, कुछ स्पेशल चीज नहीं दी हुई है, ठीक है। तो भैया ये जो चैप्टर था अपना खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है एडिटिंग ऑफ डेटा, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो भैया आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, जो आप लोग अगर कोर्स के अंदर हो तो आप लोग तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। एंड जो बच्चे नए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करना, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमर्स सेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट के। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ही जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच।